हेड जो है रिफंडेबल है थाईलैंड की 4000 का, आप देख सकते हो मैंने लाइव कैलकुलेशन कर लिया। भाई GoPro अगर आपको चाहिए था तो भाई थाईलैंड से आके ले जाओ भाई, इंडिया से सस्ता है। उस 11000 रुपए का फर्क है। गाइस अभी मैं जस्ट बीच के पास आया था भाई, पानी जो है बहुत पीछे चला गया, मतलब दिन में जो है यहाँ तक था पूरा पानी, लेकिन अभी तो पानी बिल्कुल पीछे चला गया है, ज़मीन ज़मीन दिख रही है, आराम से पैदल भी जा सकता हूँ, बोटें भी जो है बिल्कुल उस पर आ गई है। तो ऐसा होता है शायद, जहाँ पे मून जाता है पानी वहाँ पे खिंचता है, तो ये काफ़ी पीछे चला गया, काफ़ी छोटा। चलता हूँ भाई खाने के लिए, कोई कुछ खा नहीं रखा सुबह से मैंने। यार एक शॉप देखी थी यार, सही सस्ता स्ट्रीट फूड था, मेरे को मैं भूल गया, मेरे को मिला ही नहीं कहीं जगह कहीं भी जाके, तो देखते हैं कुछ खाते हैं। जो मैंने जो बुकिंग करवानी है कल के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, कहाँ से करवा रहा हूँ, कितने की करवा रहा हूँ, सारी चीज़ आपको बताता हूँ। और पैसे भी लेने हैं मेरे को, कि इतना कैश में कैरी नहीं कर कर आ रहा हूँ। कैश जो है मैं लॉकर में रख देता हूँ, तो थोड़ा अपना 200-300 पास अपने पास रख लेता हूँ, अपना खाने पीने कुछ खाना वाना हो तो हो जाए। रेस्टोरेंट में आया हूँ यहाँ पे, और आप इस रेस्टोरेंट का नाम पढ़ सकते हैं। एक बार आपको प्राइजेस दिखा देता हूँ, लाइक ये सारे प्राइजेस भात में है। तो स्प्रिंग रोल जो है वो 60 बात का है, वेज है कि नॉन वेज भी मुझे नहीं पता, तो 130 रुपये का होगा भी, एक है कि दो है मुझको भी नहीं पता। तो इसमें बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, तो मैंने गाइस अपने लिए ऑर्डर करी है, एक बहुत फेमस डिश है यहाँ पे जिसे कहते हैं पैड थाई, और इट्स लुक लाइक दिस, बट ये प्रॉन्स के साथ है। तो मैंने जो है चिकन वाली मंगवाई है, 60 बात की है, खा के देखूँगा कैसी है। काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं उसमें, एग भी है, वेजिटेरियन टोफू, श्रेम ब्रीफ, ये सारी सी फूड, ये सारा फिर अपना अपना हिसाब के साथ। पैड थाई आ गई है, इस तरीके से होती है, क्या है मुझे नहीं पता, पर चिकन ही है जो है इतना पता है। और ये कुछ सैलड वगैरह हो गए, और ये चिकन के पीसेज हैं, सम नूडल्स, टेस्ट बताता। तो गाइज एक शॉप के बाहर में आया हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा फ़ोन के प्राइजेस और GoPro वगैरह के प्राइजेस पूछते हैं कि क्या क्या कितने कितने का है। What is this? What refund? If you buy more than 2000 baht for the shop, you can get many baht this price. More than 2000. Yeah, more than 2000. It's 2000 get 80 baht. If you buy like 10,000 get 500 baht. Oh, okay. The refund? At the airport. At the airport. Yes. Bangkok airport? Any airport. So guys, यहाँ पे मेरे को एक ये मिली, आपका क्या नाम? What's your name? Shasha. So you're from Thailand? तो ये मेरी इस शॉप में काम करती है, तो उन्होंने मेरे को बताया, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि थाईलैंड में जो है गाइस वैट जो है रिफंडेबल है थाईलैंड के लिए, और उसके लिए वो एयरपोर्ट से मिलेगा, ऐसे मेरे को फोटो दिखा रही है, तो वहाँ पे बिल शो करना होगा, और उसके बाद जो भी आपका टैक्स जो रिफंड हो जाएगा। अच्छा, कितना टैक्स रिफंड होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, 2000 से ऊपर की शॉपिंग होनी चाहिए, तो 2000 से 2500 के बीच में करोगे तो 80 बात जो है वो रिफंड हो जाएगी। तो ऐसी है सारा आप लिखा हुआ, आप देख लो। नो यू डोंट हैव 14 नाउ, सो दिस इज 13, दिस वन 13 ब्रो, हाउ मच दिस वन? 13 नाउ वी हैव ओनली लाइक द 13 ब्रो। ओके, 13, दिस इज 13 आपको 13 प्रो जो है वो 128 GB आपको पड़ जाएगा, अगर एयरपोर्ट से टैक्स रिफंड करवा लोगे तो लगभग 38,000 का, तो 38,000 हो गए आपके। तो गाइज 84,000 का आप देख सकते हो, मैंने लाइव कैलकुलेशन कर लिया टैक्स वैट रिफंड होने के बाद, तो 84,000 का 13 प्रो 128 GB, तो ठीक है यार, प्राइजेस तो ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द GoPro? हाउ मच इज GoPro? लाइक या हीरो 10 हीरो 10 इज़ फॉर 17,000। तो गाइज we have promotion, get free selfie stick, okay, if you buy accessory more than 2000 baht, we get 1 week of free। okay, तो guys यहाँ पे आप देख सकते हो GoPro 10 जो है वो 17,000 baht का है, बहुत सस्ता है भाई, और इस पर भी VAT refund है, और इसके साथ ये stick वगैरह भी free दे रहे हैं। और GoPro Hero 9 जो है वो 19,000 का है, और वो 19,000 का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इट इज़ चीपर। ओह, तो गाइज इनके पास GoPro 9 भी पड़ा, और 13,990 बात का भाई, ये तो मतलब क्या 27,000 रुपये के आसपास का GoPro Hero 9 है यहाँ पे नया, और इसमें भी टैक्स रिफंड हो जाएगा, मतलब लगभग लगा लो 25,000 रुपये के आसपास आपको नया GoPro Hero 9 मिल रहा है इधर। डू यू हैव एक्सेसरीज?
accessory, yes, accessory. एक्सेसरीज़ वगैरह आप देख लो सारी, एक्सेसरीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है मुझे इंडिया से, दिस इज 1490 baht, 1490 baht, ये जो नॉर्मल बैटरी जो आती है भाई 1990 baht की, मेरे को याद नहीं मैंने कितने की लिया, मैं देख के बताऊंगा कि सस्ती है चीपर है। बाकी ये केस जो है ये इंडिया से महंगे है, पर ये ओरिजिनल गोप्रो के है। अच्छा ये हो सकता है भाई सेम सिमिलर रेट हो सकता है इतने। एंड व्हाट एल्स यू हैव, मीडियम मोड, मीडियम मोड, ओके दिस वन मीडियम मोड, दिस इज 2500, गाइस मीडियम मोड जो है वो इधर सस्ता है यार। ओके थैंक यू। और गाइस मैंने इनसे पूछा वारंटी मिलेगी, तो वो कह रही 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी है। तो भाई GoPro अगर आपको चाहिए था तो भाई थाईलैंड से आके ले जाओ भाई, इंडिया से सस्ता है। अमेजोन पे चेक कर रहा हूँ, GoPro Hero 11 Black 50,000 rupees का है इंडिया में, 50,900 ऑलमोस्ट 51,000 का इंडिया में। तो गाइज मैंने जस्ट अभी कंपेयर करा, तो जैसे इंडिया में 51,000 का मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है टैक्स रिफंड करके आपको 40,000 के आसपास का मिल जाएगा, तो ऑलमोस्ट 11,000 रुपये का फ़र्क है। और भाई कम नहीं होते 11,000 रुपये यार, अगर एक चीज़ का देखा जाए। GoPro Hero 9 तो यहाँ पे 25,000 के आसपास मिल रहा है यार, कन्वर्जन रेट लगा के आपको ये बता रहा हूँ प्राइस, ये नहीं कि जो ऑनलाइन चल रहा है, कन्वर्जन रेट हमेशा एक्स्ट्रा देता है। चलो भाई मैं अपने हॉस्टल पे आ गया हूँ, पैसे उठाता हूँ और डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर चलते हैं आराम से घूमने। ये है शॉप, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ये वाला जो होटल है भाई, नाम पढ़ लेना इस होटल का ठीक है, और गूगल पर सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा, या फिर ये वाला पढ़ लेना, उसके जस्ट साथ में ही यहाँ पे शॉप है। तो ये मैम मेरे को मिली है, उससे कह रहा था कि मेरे को मंकी बीच वाइकिंग केव वाला जो करना है, मैं अकेला हूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो गाइस मेरे को यहाँ पे शॉप मिल गई है। गाइस ये क्या करते हैं कि ये शेयरिंग में आपको भेजते हैं, तो जैसे कि मैं एक होता है फुल डे, एक होता है हाफ डे, मैंने हाफ डे का लिया क्योंकि मेरे को उसके बाद आगे फुकेत जाना है सीधा, और मैं फुकेत की टिकट भी इन्हीं से बुक करवा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों का इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे दिया, मैं आपको बताऊँगा कितना दिया है। तो कल जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, फीफी से फुकेत की भी इन्होंने कर दी है 3 बजे की, और बाकी ये हाफ डे वाला टूर है जो भी लिया है। ये हो गया है टूर की भाई, कल की बुकिंग हो गई है। मैं सोचा भाई जब आया हूँ तो कोई बात नहीं, फुकेत थोड़ा लेट चला जाऊँगा कोई बात नहीं, मेरे पास फुकेत में 2 दिन है, तो एक दिन लेट भी पहुँचूंगा कोई बात नहीं, शाम में बीच वगैरह घूमूंगा, अगले दिन फुकेत की जो भी कोई जगह होगी वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मेरे को प्राइस मिला है, तो यहाँ से फुकेत जाने की जो है टिकट वो इन्होंने मेरे को दी है 400 baht की, 400 baht में मैं कराबी से यहाँ पे आया हूँ, 400 baht में यहाँ से फुकेत जाऊँगा, तो यहाँ से आने जाने की टिकट जो होती है वो 400 baht की होती है। बात करते हैं जो शेयरिंग वाला है वो कितने का है, तो भाई जो शेयरिंग वाला मेरे को पड़ा है, मेरी टाइमिंग है शेयरिंग वाले की सुबह 9 बजे से 1 बजे तक की, 4 घंटे का मेरा प्लान है, उसके अंदर फिर जगह वो लेके जाएगा वो। तो भाई जो प्राइस है वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा, जो फीफी आइलैंड का एक सेपरेट ब्लॉग बनने वाला है, बेस्ट डील मिली है तो आप जरूर वो जाना देखना। भाई बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है, मेरी फटी पड़ी है बहुत गंदी वाली, अभी इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता, गियर रखा है और हम बीच में हैं, इतनी सुंदर सुंदर